राजस्थान के अखबारों में और क्या कुछ दोपहर की खबरें हैं, ये सब जानने के लिए रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी मनुराज सक्सेना। शुक्रिया कांशा, हमारे दर्शकों का स्वागत है इस खास सेगमेंट में। हम आपको खबरें ही दिखाते हैं राजस्थान की, लेकिन कुछ अलग अंदाज में, या यूं कहें अखबारों के जरिए। तो चलिए आपको बताते हैं कौन से अखबार ने किस खबर को प्रमुखता दी है। जाहिर तौर पर राजस्थान सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि बहुत तेजी से वहां पर घटनाक्रम बदल रहा है। अभी आपने देखी ब्रेकिंग आई थी कुछ देर पहले कि राजस्थान की जो सियासत है वो हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है, यानी कि अब लीगल बैटल भी शुरू होगा। लेकिन इन सबके बीच में खबर ये भी है कि सचिन पायलट के लिए कांग्रेस में वापसी के लिए कोशिशें भी चल रही हैं। खुलकर रणदीप सुरजेवाला कल ये कह चुके थे मीडिया के जरिए कि दरवाजे खुले हुए हैं, जो भी बात करनी है पार्टी फोरम में आए, जयपुर लौट आए अपने विधायकों के साथ। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी संदेश भिजवाया है कि पार्टी के दरवाजे सचिन पायलट के लिए खुले हुए हैं। यहां तक कि सम्मानजनक एक माहौल भी बनाया जा रहा है सचिन पायलट के लिए। अहमद पटेल बकायदा, जो कि सोनिया गांधी के करीबी हैं, राजनीतिक सलाहकार सोनिया गांधी के हैं, वो भी अब पायलट के संपर्क में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपने देखा एक ट्वीट के जरिए कई लोग सामने आए, कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद, प्रिया दत्त, सभी लोगों ने कहा कि भाई, विपिन हुड्डा ने भी कहा कि सुनना चाहिए सचिन पायलट को। और साथ ही कई लोग ये भी कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर खाने कि अगर मतभेद है नेताओं के अंदर तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पार्टी विरोधी है, तो इसीलिए सचिन पायलट को मौका देना चाहिए। राहुल गांधी भी चाहते हैं कि, पहले तो वो नाराज थे बगावत से, सचिन पायलट ने जिस तरह से खुलकर बगावत कर दी थी, लेकिन अब वो चाहते हैं कि एक मौका, एक अवसर जरूर सचिन पायलट को देना चाहिए। यहां तक कि जो अशोक गहलोत का खेमा है उसमें भी कुछ समर्थक ये चाहते हैं कि सचिन पायलट को मौका देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठ रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या वाकई सम्मानजनक वापसी होगी, अगर वो वापसी होती है तो क्या फिर से उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। ये तमाम चीजें हैं, चूंकि अभी तक सचिन पायलट ने पत्ते नहीं खोले हैं, यहां तक कि तो वो अब हाईकोर्ट भी पहुंच गए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण ये देखना होगा कि सचिन पायलट का अगला रिएक्शन, कांग्रेस का जो एक्शन हुआ है उस पर क्या होने वाला है। इन सबके बीच में हरियाणा भी लिंक्ड है राजस्थान से, कैसे, चूंकि मानेसर में कांग्रेस के कुछ विधायक यहां पर ठहरे हुए हैं, सचिन पायलट के खेमे के करीब 18 विधायक यहां पर ठहरे हुए हैं, जिनको नोटिस जारी किया गया है स्पीकर की तरफ से। जो अब ये तस्वीर है उसमें खबर ये भी मिल रही है कि सचिन पायलट गुट कह रहा है कि हंगामे की आशंका यहां पर है। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि खबर हरियाणा से निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को, यानी कि कांग्रेस के विधायकों को यहां पर हरियाणा के मानेसर होटल में खट्टर सरकार ने बंधक बनाकर रखा हुआ है और हम इस होटल को मुक्त कराकर रहेंगे। करीब 150 की संख्या में यहां पर पुलिस बल तैनात है, करीब 100 बाउंसर जो है वो होटल और होटल के बाहर ठहरे हुए हैं, तो अब ये सुरक्षा जो है और कड़ी कर दी गई है, ये आशंका के चलते कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर एक रणनीति के तहत इस होटल में पहुंच सकते हैं। हालांकि सुरक्षा पहरा इतना ज्यादा कड़ा है कि वहां पर विधायक से मिलने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं दी जा रही है, तो अब इस पर भी निगाह रहेगी कि आखिरकार क्या हरियाणा से कोई अपडेट निकलकर सामने आता है या नहीं। इन सबके बीच में दो वीडियोज भी खूब तेजी से वायरल हो रहे हैं, सचिन पायलट खेमे के तरफ से ये वीडियो है, जिनमें से एक रमेश मीणा ने एक वीडियो भेजा है और उसके साथ ही जो मुरली लाल मीणा है उन्होंने भी वीडियो भेजा है। आपको याद होगा ये दोनों बीएसपी में पहले थे, उसके बाद कांग्रेस में चले गए। इन दोनों विधायकों का ये कहना है कि अशोक गहलोत इतनी कड़ी टिप्पणी जो कर रहे हैं वो बेहद गलत है, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम जो है पैसा ले रहे हैं बीजेपी से, तो उनको एक बात याद रखनी चाहिए, जब हम बीएसपी से कांग्रेस में आए थे तो हमारी ईमानदारी के गुणगान खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए थे, तो इतने कम दिनों में हम ईमानदार से भ्रष्टाचारी कैसे हो सकते हैं। हम कांग्रेस के सिपाही ही हैं और हमारी जो लड़ाई है वो आत्मसम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। हम नाराज जो हैं वो अशोक गहलोत की कार्यशैली से हैं, उनके तानाशाही रवैये से हैं, तो हमें सुना जाना चाहिए। ये दो वीडियोज अब सामने आए हैं, जिसको लेकर अब देखना होगा अशोक गहलोत तक के खेमे की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। हालांकि जो खींचतान है वो अभी भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जरूर ये निर्देश दिया गया है अशोक गहलोत को कि कड़ी टिप्पणी करने से बचें अशोक गहलोत, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा कल हमला खुलकर नाम लेकर सचिन पायलट का, डिप्यूटी सीएम का लेके कहा था कि मेरे पास सबूत है कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए थे सरकार गिराने में। बहरहाल अब थोड़ा सॉफ्ट जरूर हुए हैं अशोक गहलोत। इन सबके बीच में सोशल मीडिया पर भी ट्विटर वार बड़ी तेजी से छाया हुआ है, कांग्रेस के नेताओं के बीच में, बीजेपी के नेताओं के बीच में, और आज एक गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से ट्वीट आया है, उसमें वो लिखते हैं ऑटो पायलट बनाम फाइटर पायलट। जाहिर तौर पर
जो इशारा है वो पायलट की तरफ है क्योंकि बैकफुट पर इस वक्त नजर आ रहे हैं पायलट, तो क्या वो फाइटर पायलट बन पाएंगे या फिर वो ऑटो मोड में रहेंगे, इसी को लेकर कुछ उन्होंने इशारा करने की कोशिश इस ट्वीट के जरिए की है। कल जो ट्विटर वार छिड़ा हुआ था वो शेखावत और डोटासरा के बीच में था, चूंकि डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल गई है, तो उन्होंने गणेश सिंह शेखावत ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के इतिहास को अपमानित करने वाले गोविंद डोटासरा को कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बनाकर हर स्वाभिमानी राजस्थानी का तिरस्कार किया है। उस पर पलटवार भी खुद डोटासरा की तरफ से किया गया और उनका कहना था कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे और राजनीतिक स्तर लगातार बीजेपी गिरा रही है। बहरहाल लोग भी काफी मजे ले रहे हैं, जिस तरीके की ट्विटर जंग छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर, इन सबके बीच में जो राजस्थान की सियासत इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कोई ऐसा पहली बार नहीं है। जो विशेषज्ञ हैं वहां के, जो राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, उनके हवाले एक आर्टिकल लिखा गया है दैनिक भास्कर में और उनका कहना है कि अनुभवी नेता और यूथ ब्रिगेड के बीच में लड़ाई पहले भी होती रही है राजस्थान की सियासत में। अशोक गहलोत जब 1998 में मुख्यमंत्री बने थे तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विरोध झेलना पड़ा था और यही वजह रही थी कि उस वक्त भी दो डिप्यूटी सीएम बनाए गए थे। साथ ही एक और चर्चा ये निकल कर आ रही है कि सचिन पायलट का जो बगावती तेवर है वो उनको अपने पिता राजेश पायलट से मिले हैं। राजेश पायलट ने 1997 में सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और उन्होंने कड़ी टिप्पणी भी की थी कि यहां पर जिस तरीके की तस्वीर है कांग्रेस के अंदर पारदर्शिता नहीं रह गई है, तो ये उन्होंने सवाल भी कांग्रेस के अंदर खड़े किए हैं। तो जिस तरह से यहां सचिन पायलट भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बगावती तेवर है वो उनके पिता की तरफ से ही निकलकर सामने आए हैं। अब दूसरी खबरों का रुख करते हैं, सियासत से अलग निकलकर। शहीद का परिवार किस तरह से दर दर की ठोकरें खाता है हमने पहले भी देखा है और ऐसी एक तस्वीर भरतपुर राजस्थान से सामने आई है जहां पर 15 दिन बाद शहीद की जो पत्नी थी वो लगातार ये मांग करती रही कि जो सरकार ने वादे किए हैं उनको पूरा किया जाए, लेकिन अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। और यहां पर अब हालांकि सांसद जो हैं भरतपुर की, उन्होंने वादा किया है कि वो रक्षा मंत्री से दिल्ली में जाकर मुलाकात करेंगी। शहीद के परिवार की मांग ये है कि पेट्रोल पंप आवंटित किया जाए और शहीद के भाई जो गौरव हैं उनको सरकारी नौकरी दिलाई जाए। देखिए कर्तव्य होता है किसी भी सरकार का कि जो जवान बॉर्डर पर लड़ रहे हैं उनके परिवार का ख्याल रखा जाए और जो जवान लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं, शहादत जिन्होंने अपने देश के लिए दे दी है, कुर्बानी दे दी है, इतनी बड़ी कुर्बानी, उसके लिए तो और भी ज्यादा ये बड़ा कर्तव्य हो जाता है कि इस परिवार को आर्थिक रूप से मदद दी जाए। अब देखना होगा महत्वपूर्ण इस मामले में जो अभी तक रुख सामने आया सरकार का उसमें किस तरह से तब्दीली आती है और शहीद के परिवार को किस तरह से सम्मान और सहायता मिलती है। राजस्थान की खबरों में इतना ही जी, शुक्रिया मनु इन तमाम खबरों के लिए।